क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सिटी क्रिमिनल है, इसको इन्वेस्टिगेशन होता बहुत चीज काम आता है। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कैसे था उनका बीच में गोविंदा खान आ गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं। मेरी घर से आ गया, हमारा सरकार इतना उम्मीद हो गया कि गोविंदा खान भी यहाँ तक आ गया। सर आपको रिकॉर्डिंग भेजा, मैं अपना शर्मिंदा हूँ, मतलब उससे ज्यादा मैं शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। हम लोग के होते होते यहाँ काल गोविंदा खान भी यहाँ तक आ गया, हम लोग का क्या रह गया। सर आप हमारा रिकॉर्डिंग सुन, मैं मतलब जिंदगी में इतना शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ, यहाँ बैठे जितना शर्मिंदा देखना। अगर डिब्रूगढ़ में अभी भी गोविंदा खान चल रहा है, सांस लेता लोगों को लाके ऐसा कर सकते हैं, हम लोग क्या क्यों बैठा है, आप लोग का क्या अधिकार रहता है खाने में। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया, अबे तो क्या रब्बर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। झारखंड के जामताड़ा जिले में शुक्रवार को लगभग 100 सरकारी स्कूलों में ताला बंद रहता है। उस दिन न तो बच्चे पढ़ने आते हैं और न ही शिक्षक पढ़ाने आते। बकायदा स्कूल के दीवार पर शुक्रवार को जुम्मे का दिन बताया गया है।
जिन स्कूलों में जुम्मे के दिन को अवकाश दिया गया है वहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है। सर, एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू स्कूल में तब्दील करने का मामला आया, उस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा विभाग से पता कीजिए क्या बात है, उसके डिटेल अभी नहीं बस। जामताड़ा के डीसी का साफ कहना है कि वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग से पता लगाने को कहा। इससे पहले गढ़वा जिले के एक स्कूल में बिना हाथ जोड़े प्रार्थना करने का मामला सामने आया था, बाद में शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद मामला शांत हुआ। हाफिज सईद जैसा कुख्यात आतंकवादी अगर किसी पार्टी से विश्व में प्यार करता है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं और कुछ अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कांग्रेस जैसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी। क्या कारण है जो आतंकवादी हाफिज सईद को कांग्रेस एक अच्छी पार्टी लगती थी? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो सांठगांठ होगा। यस, हाफिज लव्ड कांग्रेस पार्टी बिकॉज कांग्रेस प्रोटेक्टेड देम। कांग्रेस ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया, हमेशा उन्हें संरक्षण दिया, इसी कारण से आतंकवादी कांग्रेस को पसंद थे और कांग्रेस को आतंकवादी पसंद करते थे।